तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फेसबुक पे जो प्रॉब्लम आ रही है, योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड, इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें और ये प्रॉब्लम कैसे आती है। अगर आप किसी को सपोर्ट करते रहते हो, फोटो को लाइक करते रहते हो तो इसके कारण आ सकती है, या फेसबुक को लगता है कि आपकी आईडी किसी के हाथ में चली गई तो इसके कारण भी आपकी आईडी यहां पर लॉक हो सकती है। तो इसको यहां पर अनलॉक कैसे करेंगे तो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को भी पार्ट स्किप मत करना, इसके बाद गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, कंफर्म योर आइडेंटिटी पर क्लिक करना। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो आपको यहां पर फेसबुक पर यहां पर अगर और ऑप्शन नहीं मिलता तो क्या करना है, आपको यहां पर क्रोम पर हम जाएंगे। तो यहां पर क्रोम पर जैसे ही जाओगे तो आपको यहां पर क्या करना, फेसबुक यहां पर सर्च करना है। जैसे ही हम यहां पर लिख देते हैं फेसबुक और सर्च कर देंगे, जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको यहां पर क्या करना, फेसबुक को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे तो आपको यहां पर क्या करना, क्रोम पर ओपन कर लेना है। जैसे ही हम यहां पर क्रोम पर ओपन कर लेते हैं, इसके बाद आपको यहां पर क्या करना, आपकी जो आईडी होगी उसका यहां पर नंबर और यूजर नेम डाल के, मतलब यहां पर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना। हम जो यहां पर आईडी लॉगिन यहां पर कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पर इस वाले नीचे वाले ऑप्शन पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नया इंटरफेस आ जाता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से नीचे मतलब नेक्स्ट या आगे बढ़े वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाकर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नया इंटरफेस आ जाएगा फिर से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी मतलब पहचान या आइडेंटिटी देना पड़ेगा कुछ भी, यहाँ पर आधार कार्ड है। तो हम यहाँ पर क्या करना है, अपनी यहाँ पर आइडेंटिटी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट वाला आपको बोल रहा है, मतलब एक जीमेल आईडी यहाँ पर देना पड़ेगा या अपनी आईडी कोई भी अपलोड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर आईडी अपलोड नहीं करना, हम यहाँ पर अपनी एक जीमेल दे देंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नया पेज ओपन होके आ जाता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपके सामने यहाँ पर लोड होके आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपना एक बार यहाँ पर जीमेल आईडी दे देना। जैसे ही आप यहाँ पर जीमेल आईडी दे दोगे, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कन्फर्म वाले ऑप्शन पर फिर से आपको यहाँ पर जीमेल आईडी दे देना है। तो हम यहाँ पर दोनों जगह जीमेल आईडी यहाँ पर दे देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर जीमेल आईडी दे दोगे दोनों जगह, तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना, नीचे कन्फर्म वाला ऑप्शन मिलेगा तो उस पर, या सबमिट वाला, उस पर क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नया पेज ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी की यहाँ पर फोटो दे देना है। तो जैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कुछ भी, मतलब आप यहाँ पर दे सकते हो। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे साइड में आपको यहाँ पर क्या करना है, चला जाना है। जैसे हम यहाँ पर नीचे साइड में जाएंगे, नीचे साइड में जाने के बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्या करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस लोड होकर आ जाता है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना, आपको यहाँ पर फोटो वाला ऑप्शन मतलब चुने, यहाँ पर मतलब ऑप्शन दिया गया, इस पर क्या करना, आपको पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक फोटो सेलेक्ट कर लेना, जैसे आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कुछ भी, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना। इसके बाद कन्फर्म या सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी, हमने यहाँ पर उसकी रिपोर्ट यहाँ पर कर दी है, मतलब फेसबुक तक पहुँच चुकी है। आपको यहाँ से 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर आईडी आपको यहाँ पर चालू करके दी जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम से कोई भी रिलेटेड मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें जाके मैसेज करके बता सकते हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी।